हेल्थ नहीं खरीद सकते। हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसको अंबानी अंडानी भी नहीं बाय कर सकते। पिछली बार क्या बोला था, स्टेज पे भी नहीं चढ़ने देंगे, टॉप 9 में आया था। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग, मैं आपको तो फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरुमान सर के बारे में। गुरुमान सर ने अभी वीडियो अपलोड किया है, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई है। उन्होंने जो बातें बताई है, पैसे को फिटनेस से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है अपनी वीडियो में कि अच्छी सेहत आप पैसे से नहीं खरीद सकते। यानी कि गुरुमान सर का कहना है कि हम पैसे से अच्छी सेहत नहीं खरीद सकते, इसलिए पैसा जरूरी नहीं है, अच्छी सेहत जरूरी है। दोस्तों, नहीं, पैसे से आप क्लॉक खरीद सकते हैं लेकिन टाइम नहीं, बेड खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं, फूड खरीद सकते हैं लेकिन एपेटाइट नहीं, घर खरीद सकते हैं लेकिन फैमिली नहीं, इंश्योरेंस खरीद सकते हैं लेकिन सेफ्टी नहीं, और डॉक्टर खरीद सकते हैं लेकिन हेल्थ नहीं। जी हाँ, लास्ट पॉइंट, हेल्थ नहीं खरीद सकते। और इंडिया में बहुत सारे लोग आपको हेल्थ बेच रहे हैं, ऐसे स्कैम, ऐसे फ्रॉड से दूर रहें। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको अंबानी अंडानी भी नहीं बाय कर सकते, समझे? क्योंकि आपका पसीना कोई और नहीं निकाल सकता, आपका वर्कआउट कोई और नहीं कर सकता, आपका फूड कोई और नहीं खा सकता। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ, और हेल्थ के लिए सही इन्वेस्ट करें। अच्छी हेल्थ के लिए सही खाना जरूरी है, सही खाएंगे सही हेल्दी होंगे इनसाइड। और बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज को हेल्दी रखेंगे, क्या है? ब्रेन। और आपको मालूम है, अगर आप मेंटली हेल्थी हो ना, तो आप दुनिया बदल सकते हो, ठीक है? सो मेक श्योर आप किसी के स्कैम में ना आए, फ्रॉड में ना आए, स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर हेल्थ। दोस्तों, रोहित खत्री ने अभी अपना वीडियो डाला है और वीडियो में उसने बताया है अपने हेटर्स के लिए, जो उन्हें कह रहे थे कि स्टेज पर नहीं चढ़ने देंगे। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि मैं बेस्ट टॉप 10 में था, यानी कि मेरी 9th प्लेस थी और पहले फर्स्ट कॉल आउट में आया था ऑन स्टेज। कंडीशन बहुत अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेस्ट टॉप 10 में आए थे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बार जो है, ये मैन फिजिक्स में नहीं, इनकी कंडीशन देख के लगता है ये क्लासिक डिवीजन में कंप्लीट करेंगे। इनकी मतलब फिजिक्स बहुत अच्छी लग रही है, ऐसी बात नहीं है, और इस बार ये शायद प्लेसिंग में भी आ सकते हैं। हम दुआ करते हैं इनकी प्लेस जरूर आए। तो दोस्तों, आपको इनकी कंडीशन देख कर क्या लगता है, क्या क्लासिक डिवीजन में रोहित खत्री प्लेस ला पाएंगे या नहीं, प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। अब